गाइस तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं ना अच्छी तरह से नहा धोकर रेडी हूँ। और आज जो हमारी शूटिंग है गुड्डा गांव में है, तो पूरी टीम है तो वो वहाँ आ चुकी है। और मैं यहाँ से घर से निकलने वाला हूँ, बस थोड़ा सा खाना खा लूँ, फिर मैं भी शूटिंग के लिए निकलूँगा। और इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो वहाँ जो जितनी भी शूटिंग होगी वो शूटिंग आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और दिखाते हैं आज आपको फुल जो शूटिंग होती है राजस्थानी गाने की। वैसे शूटिंग चल है वहाँ पर, सिंगर संतलाल जी की शूटिंग है और बागोरा म्यूजिक उनका चैनल है, तो बागोरा म्यूजिक चैनल पर उनकी वो वीडियो या गाना जो भी है वो उस चैनल पर ही आएगा, ठीक है। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे जो लोकेशन थी उसके जस्ट नजदीक, और हमारे अच्छे जो आपको मकान दिख रहे हैं उन मकानों में जो हमारे साथ जो डांस लाई थी वो रेडी हो रही है। और मैं भी थोड़ी देर बाद में रेडी हुआ कि मुझे टाइम नहीं लगता वैसा रेडी होने को, एक के मिनट 5 मिनट लगते हैं। और जो डांस है वो आप तैयार हो रहे हैं जो डांस लाए थे हमारे साथ जो डांस करेंगे वीडियो में, उनका जो गाना है वो सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग के लिए उनको इसी प्रकार से तैयार होना पड़ेगा एकदम नेचुरल तरीके से। और हम जो राजस्थानी जो गाने पर हम जो डांस करेंगे वो हमारा गाना है, डीजे पर चलने वाला जो गाना है उस पर है, तो हम उसी प्रकार से हम तैयार होंगे। और हमारे जो कैंपर है आपको दिखाते हैं, पीछे की तरफ जो कैंपर है ये लेकर हम आए हैं। और हमारी जो पूरी टीम है, तो एक बंदा और आ रहा है, वो बोला मुझे भी वो लोग में लेना। तो पूरी टीम है तो वो खुल जाने की रेडी है, बस थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा और फिर हम आपको जो शूटिंग है शूटिंग में आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तो और हमारे जो सिंगर हैं संतलाल जी, तो ये चिल मार रहे हैं, क्या बात है। हाय हेलो, हाय हेलो कर दिया, चिल मार दिया और बाकी का चिल हम मारेंगे गाने में। और ये इनका नाम भी संतलाल जी है, दोनों संतलाल जी हैं, नमस्ते करके चले गए हैं। और अब आप ना वीडियो को लाइक कर देना, मस्त तो लग रहा है ऐसे में, और बाल बोल में ऐसे बाल सेट कर लेना। सो गाइस तो अब हम पूरी तरह से कैमरा लगा कर रेडी है, हमारे साथ मनोज भाई जी हैं, ये तो फोटो खींचेंगे उनकी और मैं उनका जो गाना रिकॉर्ड करूँगा, फिर मेरा गाना कोई और रिकॉर्ड करेगा और आपको नहीं संतलाल जी का गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जय श्री श्याम, देखो आपको वो बालाजी के मंदिर के पास वो दिख रहे हैं, तो उनका हम यहाँ से जो डायरेक्टर है वो उनको समझा रहे हैं। फाइनली गाइस एक शॉट तो वो हो चुका है। और फिलहाल अभी ना जो एक्टर थे तो उन्होंने अपने ड्रेस चेंज कर लिए और मैं कैमरामैन का कार्य कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ये कैमरा तो ये मेरे पास है और जो दूसरा कैमरा है वो तो मेरे साथियों के पास है। अभी है ना जो लड़की है तो वो अपने ड्रेस चेंज करने गई है, जो लेडीज डांसर है वो अपनी ड्रेस चेंज करने गई है और अभी दूसरी आने वाली है। और इधर सभी एक दूसरे को ताने मार रहे हैं वरुण भाई साहब के पास। मस्ती करें सभी लोग यहाँ पर, कलर भी लेकर आए हैं शूटिंग में काम लेंगे ये कलर। तो हमारे जो डांसर है वो अभी तैयार होकर आने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आपने जस्ट देखा है कि शूटिंग किस प्रकार से है, मैंने सीख तो उड़ूंगे इसी तरह। एक जगह का जो हमारा जो शूट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हमारे सिंगर साहब और जो भी पार्टी के लोग हैं वो बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। हम कैंपर में हैं, कैंपर में हम पीछे की तरफ आए कि हवा खाने का मन कर रहा था। और जो वो सेकंड गाड़ी आपको दिख रही है, उस सेकंड गाड़ी में ये है कि जो लेडीज़ थी हमारे साथ डांस करने वाली और जो इसके साथ आए थे वो उस गाड़ी में आ रहे हैं। और अभी हम हमारे साथ एक कैमरामैन गणेश भाई जी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, लेकिन हम कैमरा चलाने वाले पीछे हो गए, पीछे बैठने में हम क्या मज़ा आता है क्योंकि अंदर हवा नहीं लगती है। थोड़ी दूरी जाना है दूसरी शूटिंग के लिए, कोई हवेली है वहाँ पर हमें जाना है। अच्छा लग रहा हूँ ना वैसे मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे।
ठीक है, हम रवाना हो चुके हैं कैंपर में। अब नई हवेली में हम आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले हम कैंपर गाड़ी में थे और एक हवेली है, बढ़िया शानदार हवेली है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी खड़ी हमारे साथ और ये कैमरा है। इनका रोल किस प्रकार से होगा इन सभी का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।